न्यू पटना क्लब में बिहार के वॉलीबॉल संघ के जिलाध्यक्षों के साथ सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें वॉलीबॉल खिलाड़ियों को वॉलीबॉल संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अच्युता समानता ने फूल और बुके देकर सम्मानित किया। वहीं विधान पार्षद अरुण कुमार सहित खेल प्राधिकरण के डीजी और विभिन्न संगठनों से जुड़े लोग मौजूद रहे। वहीं वॉलीबॉल फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अच्युता समानता ने कशिश न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि बिहार में भी खेल को लेकर असीम संभावनाएं हैं और लगातार बिहार के सरकार के साथ मिलकर खेल को बढ़ावा देने का काम किया जाएगा। वहीं उन्होंने मोदी सरकार की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार भी खेलो इंडिया के तहत खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने का काम कर रही है, इसलिए सभी लोगों को सहयोग करने की जरूरत है। क्या संभावनाएं हैं बिहार में, क्या लगता है कि वॉलीबॉल को लेकर या पूरे देश में वॉलीबॉल को लेकर? क्या बिहार तो एक बहुत अच्छा राज्य है, यहाँ का जो युवा है ना, वो लोग का बहुत अच्छा जोश है, सब कुछ है। तो जब अभी बिहार सरकार ने स्पोर्ट्स को प्रमोशन करने के लिए, स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए ये जो कदम उठाए हैं, ये आगामी दिन में बहुत अच्छा होगा युवा के लिए। तो युवा के लिए अच्छा होगा तो राज्य के लिए अच्छा होगा, देश के लिए अच्छा होगा, खेल कूद भी आगे बढ़ेगा। तो ये जो कल सेमिनार है उसको अटेंड करने के लिए हम लोग आए थे यहाँ पर। अभी वॉलीबॉल एसोसिएशन ऑफ बिहार का तरफ से एक संवर्धना सभा हुआ तो उसमें जोग दिए। कल भी जो हो रहा है बिहार सरकार का तरफ से, उसमें हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे, अपना ओपिनियन भी रखेंगे। और मैं आशा व्यक्त करता हूँ आगामी दिन में बिहार में स्पोर्ट्स बहुत आगे बढ़ेगा। सर, स्पोर्ट्स पॉलिसी को लेकर भी लगातार चर्चाएं बिहार में हो रही है, लेकिन अभी तक स्पोर्ट्स पॉलिसी बनी नहीं, तो क्या इसको लेकर भी चर्चा होगी कि यहाँ पे स्पोर्ट्स पॉलिसी बने? नहीं, देखिए हम लोग स्पोर्ट्स में जो काम किए हैं, मैं उड़ीसा से हूँ, भुवनेश्वर से, तो हम लोग वहाँ जो स्पोर्ट्स काम किए हैं, उड़ीसा के मुख्यमंत्री माननीय नवीन पटनायक जी जो स्पोर्ट्स को इतना बढ़ावा दे रहे हैं, प्रोत्साहन दे रहे हैं, अभी उड़ीसा का स्पोर्ट्स मॉडल सब जगह में लोग अपना रहे हैं, तो उसका ऊपर हम लोग कल अपना मत व्यक्त करेंगे। और ज़रूर ये जो कदम लिए हैं बिहार सरकार, ये बहुत अच्छा होगा। सर क्या कहेंगे सर कि क्योंकि आप लोकसभा के सांसद भी हैं और लगातार खेल को लेकर भी संसद में सवाल उठते रहे, लगता नहीं कि सर केंद्र की सरकार भी स्पोर्ट्स को लेकर कुछ विशेष रूप से बेहतर? केंद्र सरकार भी देखिए स्पोर्ट्स को लेकर बहुत प्रोत्साहन कर रहे हैं। अभी देखिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पोर्ट्स को बहुत आगे बढ़ाए हैं, आगे बढ़ाने के लिए सब कुछ कदम उठा रहे हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स एक सबसे बड़ा उदाहरण है। ओलंपिक में बच्चे लोग को ज़्यादा मेडल मिलना स्पोर्ट्स पर्सनल को, वो भी उदाहरण है। तो केंद्र सरकार इसका ऊपर बहुत कुछ काम कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है लगातार, इसको लेकर भी चर्चा? स्पोर्ट्स का ऊपर पहले उतना ध्यान नहीं दे रहे थे कोई, अभी सब लोग ध्यान दे रहे हैं, केंद्र सरकार दे रहे हैं, राज्य सरकार भी दे रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा बन जाएगा इन द कमिंग ईयर्स। तो मुख्यमंत्री से भी, मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखे हैं क्या इसको लेकर कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कुछ विशेष काम? नहीं नहीं, वो सब कम नहीं लिखे। बिल्कुल, बैडमिंटन संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और ये लगातार कह रहे हैं कि बिहार में भी खेल कूद के काफ़ी संभावनाएं हैं और उसको लेकर लगातार केंद्र और बिहार की सरकार बेहतर पहल कर रही है। कैमरामैन अवनीश के, राजेश के साथ अवनीश कुमार, कशिश, पटना।